हेलो एवरीवन, मैं हूं जेसन रवि, आज की सिनेमा की आवाज और समरी ऑफ सिनेमा में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर, हिंदी सिनेमा में जो रीसेंट शिफ्ट्स हुए हैं और ऑडियंस का क्या रिएक्शन रहा है। सिनेमा देखने का तरीका काफी बदल गया है और इसी पर आज हम फोकस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं बॉलीवुड की। बॉलीवुड जो एक टाइम पर इंडियन सिनेमा का डोमिनेंट फोर्स था, अब उसकी ग्रिप धीरे धीरे कम होती जा रही है। क्यों? पहली वजह है ऑडियंस का प्रेफरेंस बदलना। पैंडेमिक के बाद ऑडियंस की पसंद बदल गई है। एक तरफ थिएटर में फुटफॉल हो रहा है तो दूसरी तरफ ओटीटी धमाका ने सबकी दीवानगी बढ़ा दी है। अब लोग एक मंथली सब्सक्रिप्शन के दाम में घर बैठे हाई क्वालिटी कंटेंट यानी अच्छी फिल्में और सीरीज देख सकते हैं। और जब एक सिनेमा टिकट और एक स्ट्रीमिंग सब्सक्रिप्शन का मंथली प्राइस ऑलमोस्ट सेम हो तो लोग क्यों बाहर जाएंगे। स्टेटिस्टिक्स कहते हैं कि पिछले साल रिलीज हुई 75% हिंदी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई। इसके कारण छोटी सिंगल स्क्रीन सिनेमाज बंद हो रही है। वहीं दूसरी तरफ रीजनल लैंग्वेज फिल्म जैसे साउथ की मूवीज अब ज्यादा बॉक्स ऑफिस शेयर ले रही है। फिल्म जर्नलिस्ट एना एम वेटिकेट कहती है, हिंदी फिल्म मेकर्स अपने ऑडियंस के इवॉल्विंग टेस्ट को इग्नोर करते रहे हैं। यही वजह है कि बॉलीवुड बैकफुट पे चल रहा है। सबसे बड़ा इशू जो थिएटर्स जाने से लोगों को रोकता है वो है टिकट प्राइसेस। बहुत से लोग टिकट प्राइसेस को लेकर परेशान है। 90% ऑडियंस को लगता है कि टिकट प्राइसेस उनकी पॉकेट पर भारी है। अगर टिकट्स अफोर्डेबल होती तो ज़्यादा लोग थिएटर जाने का सोचते। बॉक्स ऑफिस जंग अब सिर्फ थिएटर तक सीमित नहीं रही। रीजनल फिल्म्स जैसे तेलुगू और तमिल मूवीज़ ने नया जमाना शुरू किया है और अब ये पूरी इंडिया को इम्प्रेस कर रहा है। लेकिन साथ ही बॉक्स ऑफिस जंग में हिंदी फिल्म्स का पहला स्थान थोड़ा ढीला हो गया है। 2023 में सिर्फ 4% इंडियन पॉपुलेशन ने हिंदी ब्लॉकबस्टर को थिएटर में देखा। पायरेसी भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। ज़्यादा लोग फिल्म को ऑनलाइन इलीगल वे से अपने मोबाइल और लैपटॉप से देख लेते हैं। इसी वजह से थिएटर का बिजनेस अफेक्ट हो रहा है। पहले पायरेटेड डीवीडीज और अब ऑनलाइन इलीगल डाउनलोड्स ने थिएटर का एक्सपीरियंस बिगाड़ दिया है। जैसे ही फिल्म रिलीज होती है उसका पायरेटेड वर्जन मार्केट में आ जाता है। इस वजह से थिएटर्स का चार्म और सिनेमा क्रांति कम हो गई है। अब बात करते हैं कंटेंट का सेकेंडरी, मतलब अब सिर्फ बड़े स्टार्स होना ज़रूरी नहीं है बल्कि कंटेंट किंग बन गया है। अगर कंटेंट स्ट्रॉन्ग है तो फिल्म भारी हिट हो सकती है, चाहे उसमें कोई बड़ा स्टार हो या नहीं। कंटेंट क्वालिटी भी एक मेजर फैक्टर है। अगर फिल्म का रिव्यू अच्छा नहीं है तो ऑडियंस थिएटर जाना अवॉइड करती है। 41% रिस्पॉन्डेंट्स ने कहा कि रिव्यू पर डिपेंड करता है कि वो फिल्म देखने जाएंगे या नहीं। वही अगर फिल्म का रिव्यू या वर्ड ऑफ माउथ अच्छा है तो लोग न्यू कमर्स के भी पिक्चर देखना पसंद करते हैं। जैसे फिल्म मुंजा जो दो न्यू कमर्स के साथ बनी है, 18 करोड़ की इस फिल्म ने लगभग 150 करोड़ का बिजनेस बॉक्स ऑफिस पर किया है। असली तकरार ऑडियंस के बीच चल रही है कि क्या देखा जाए। हर आदमी के पास हर हफ्ते कुछ ही कहानियां देखने का बैंडविड्थ यानी समय और मूड होता है। अब वो ये कहानी घर पे देखे या थिएटर्स में, काफी लोगों का मानना है कि घर बैठे ओटीटी देखना ज्यादा कन्वीनियंट और सस्ता है, जबकि थिएटर का एक्सपीरियंस सिर्फ बड़े ओकेशंस और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंटेंट वाली पिक्चरों तक सीमित है। तो फ्रेंड्स, ये था हिंदी सिनेमा का नया दौर और ऑडियंस का असली तकरार। आज के दौर में कंटेंट क्वालिटी, टिकट प्राइसेस और स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स ने हिंदी सिनेमा के फ्यूचर को रीडिफाइन कर दिया है। अगर आपको लगता है कि हमसे कोई पॉइंट छूट गया है, और अगर हाँ तो हमें नीचे कॉमेंट्स में ज़रूर बताएं। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को समरी ऑफ सिनेमा। हम मिलेंगे अगले वीडियो में एक और मज़ेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और सिनेमा का मजा लेते रहें।